अजमी या करी इस करी पत्ते को धोकर सुखाकर साल भर के लिए स्टोर करने का तरीका सिखाऊंगी। देखिए ये इस तरीके से रहता है, हर तरकारी की दुकान में मिल जाता है। इसको ऐसे इस तरीके से पत्ते निकाल लें, निकाल कर इसको फेंक दीजिए। और इस तरीके से मैंने पूरे काट तोड़ लिए पत्ते। अब इन सारे लीव्स को मैं पानी में डालकर धो लूंगी। 2 से 3 मरतबा इसको रिंस करके अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूंगी। ये ठंडी धूप में, यानी धूप की ना हो, घर के अंदर इसको सुखाना चाहिए। फैन की हवा में रख दें तो 2 दिन में सूख जाएगा अच्छे से, 2 या 3 अवर्स में सूख जाएगा। अगर इसको इसके घर के अंदर सुखाएंगे तो इसका कलर कभी चेंज नहीं होगा, ये हरे का हरा ही रहे, ग्रीन कलर कभी चेंज नहीं होगा और आपको साल भर के लिए काम आएगा। इसको सुखाने के बाद आप कांच के बोतल में स्टोर कर लीजिए। अब 2 से 3 आवर्स के बाद ये करी पत्ता सूख चुका है, करी लीव्स। अब मैं इसको तोड़ कर दिखाऊंगी। देखिए कितना चूर चूर हो रहा है, पीस पीस में बन रहा है। और आवाज़ इसकी सुन रहे हैं ना, इस तरीके की आवाज़ आएगी सूखने के बाद। इस पत्ते को एक बॉटल में स्टोर करके रख लें, साल भर के लिए काम आएगा। मेरे चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करना मत भूलिए। इस तरीके के कांच की बोतल ले लें और इसमें इस तरीके से भर कर स्टोर कर लें, साल भर के लिए काम आएगा और इसका टेस्ट कभी नहीं बदलेगा।